मॉर्निंग। आज हम लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। एक्चुअली हम जब किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, चाहे वह बैंक गवर्नमेंट बैंक हो या नॉन गवर्नमेंट बैंक हो, तो वहां से मुझे एक कार्ड दी जाती है। जनरल बोलचाल के भाषा में उसे हम एटीएम कार्ड बोलते हैं। एक्चुअल उस कार्ड को एटीएम हम इसलिए बोल देते हैं कि ज्यादातर प्रयोग हम लोग जानते हैं कि उस कार्ड का हम लोग एटीएम में ही करते हैं। एटीएम जहां से हम पैसा निकालते हैं उस मशीन में ही करते हैं, इसलिए उस कार्ड को हम लोग एटीएम कार्ड, और बैंक कर्मी भी बोलते हैं कि आप अकाउंट ओपन करेंगे और आपको एटीएम कार्ड उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन जनरल उस कार्ड का नाम डेबिट कार्ड होता है। जब आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, आपको डेबिट कार्ड वहां से मिलता है। डेबिट कार्ड मिलने के बाद कुछ दिन के उपरांत अगर आपके बैंक में ट्रांजैक्शन अच्छे होते हैं, तो बैंक के द्वारा ऑफर दिया जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं या आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड बहुत लोग समझते नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड ले लेना हमारे लिए प्राउड की बात है, अच्छी बात है, क्रेडिट कार्ड ले लेनी चाहिए। कुछ लोग जो क्रेडिट कार्ड के बारे में और भी अच्छे से नहीं जानते हैं, वो समझते हैं बैंक वाले को ज्यादा फायदा होगा क्रेडिट कार्ड इसलिए मुझे दे रहा है, प्रॉब्लम के लिए, हमको प्रॉब्लम हो जाएगी फ्यूचर में। एक्चुअली डेबिट कार्ड किसे कहते हैं, क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं, इस चीज को भी लेकर कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों में, सामान्य वर्ग में। दूसरी चीज की क्रेडिट कार्ड का यूज कैसे करें ये भी लोग नहीं समझ पाते हैं। बैंकर भी, बैंक के एम्प्लॉय बोलते हैं 50 दिन तक आपको पैसे नहीं देने हैं। क्रेडिट कार्ड से जो भी आप एक्सपेंस करते हैं उसके पैसे 50 दिन तक नहीं देने हैं। बहुत सारे कस्टमर और मध्यम वर्गीय लोग इस लालच में आ जाते हैं और क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। लेने के बाद उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो देखिए, डेबिट कार्ड वह कार्ड जिस कार्ड के द्वारा हम अपने बैंक के अकाउंट से अपने पैसे को खर्च करते हैं, वह कार्ड हमारा डेबिट कार्ड कहलाता है। चाहे वह आप किसी एटीएम मशीन से पैसे को विड्रॉ करके करें या आप स्वैप करके करें, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के द्वारा करें, जिस कार्ड के द्वारा ट्रांजेक्शन करने पर आपके अकाउंट से बैलेंस माइनस होता है, वह कार्ड आपका डेबिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा उस कंडीशन में दी जाती है जब आपका ट्रांजेक्शन अच्छा है या आप सैलरी होल्डर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, ओवरऑल बैंक में आपका क्रेडिट, आपका परफॉर्मेंस आपके अकाउंट में अच्छा है, तो क्रेडिट कार्ड एक अमाउंट होता है जो 10,000 से आपकी जितनी कैपेसिटी होगी, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, एज पर योर अकाउंट स्टेटमेंट, आपको वह एक रकम लोन के रूप में कार्ड के माध्यम से बैंक सेंक्शन कर देता है। मींस आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, बैंक एक अमाउंट आपके नाम पे अलॉट कर देता है, वह अमाउंट उस कार्ड के माध्यम से आप खर्च कर सकते हैं, चाहे आपके अकाउंट में पैसा हो या न हो। मींस वह जो पैसा आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा खर्च कर रहे हैं वह पैसा आपका नहीं है, वह बैंक का है। अब आते हैं यहां पे लोगों के बीच सुनने में आता है कि क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो हम पैसा खर्च करते हैं उसे हमें 50 दिन तक
इंटरेस्ट फ्री वापस करने का समय बैंक के द्वारा दिया जाता है। ये सुनने में जितना आसान और सरल लग रहा है, वास्तव में यह ऐसा होता नहीं है। यदि आप बैंक के द्वारा नगद निकासी उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एटीएम से करते हैं या किसी तरह करते हैं नगद निकासी, तो आपका एक दिन का भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। 50 दिन तो दूर की बात है, एक दिन का भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड से अगर आप किसी भी प्रकार का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या आप स्वैप मशीन के द्वारा स्वैप करके किसी भी प्रकार का खरीद करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो वह 30 दिन बिलिंग साइकिल के अंदर आता है। अब बिलिंग साइकिल का मतलब आप समझ लीजिए, यदि सपोज दैट आप 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच जो खरीदारी करते हैं उसका बिल अगले 1 तारीख को आता है, तो इसे हम बिलिंग साइकिल कहते हैं। जैसे आपने जो 1 को खरीदा उसकी बिलिंग एक अगले 1 को आएगी। सपोज दैट एग्जांपल देके मैं समझा देता हूं, आपने यदि कोई खरीदारी 1 सितंबर को की तो उसकी बिलिंग 1 अक्टूबर को आएगी, 2 सितंबर को की उसकी भी बिलिंग 1 अक्टूबर को आएगी, 3 सितंबर को की उसकी भी बिलिंग 1 अक्टूबर को आएगी, 30 सितंबर को खरीदारी की उसकी भी बिलिंग 1 अक्टूबर को आएगी। अब जो आपकी बिलिंग आएगी उसके बाद 20 डेज पेमेंट साइकिल होता है, मींस 20 दिन बिलिंग के दिन से, जिस दिन आपकी बिलिंग की जाती है उस दिन से 20 डेज की टाइमिंग आपको उस बिल को जमा करने का दिया जाता है। तो जनरल लोग 50 दिन क्यों कहते हैं इंटरेस्ट फ्री, इसलिए कि यदि आपने 1 सितंबर को खरीदारी की उसकी बिलिंग 1 अक्टूबर को आई, तो 30 दिन 30 डेज तो आपका यहां पे हो गया। फिर 1 अक्टूबर को जो बिलिंग आई उसका पेमेंट आपको 20 अक्टूबर को करना पड़ेगा, तो 20 डेज वहां गया। तो इसको लोग कैलकुलेट करके बोलता है 30 + 20 = 50 डेज इंटरेस्ट फ्री। लेकिन यदि आपने 30 सितंबर को खरीदारी की है तो आपको केवल 20 डेज का ही समय मिला, क्योंकि 30 सितंबर का भी बिलिंग आपको 1 अक्टूबर को ही हुआ और वह भी पेमेंट आपको 20 अक्टूबर को ही देना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा डे टू डे बिलिंग साइकिल के अनुसार ये जो 50 डेज होते हैं ये घटते रहते हैं। तो आज आपने ये समझ लिया कि आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है वह क्रेडिट कार्ड आपका पैसा नहीं होता है, एक बैंक का लोन अमाउंट होता है, जो आपकी नगद निकासी के लिए नहीं होती है, वह केवल आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए और ऑनलाइन किसी भी प्रकार का शॉपिंग करने के लिए ही दिया जाता है। अगर आप नगद निकासी करते हैं तो एक दिन का भी चार्जेज आपका पे होता है, जो आपका नॉर्मल इंटरेस्ट ऑपरेट जो चलते हैं बैंक का उससे कहीं ज्यादा होता है। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बैंक क्रेडिट कार्ड क्यों देता है, बैंक को क्रेडिट कार्ड देने से क्या फायदा है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इसे आप लाइक करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा कुछ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर दिए जाएंगे। और यदि यह चैनल आपको पसंद आएगा और इस तरह की वीडियो आप देखना चाहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और दो साथियों से भी आप शेयर करेंगे। धन्यवाद।